हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। देखिए, 530 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर जरूर देखने को मिला है, गिरावट भी आई है, तेजी भी आई है। जिस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, जिस तरीके का बिजनेस ये कंपनी करती है, उससे एक बात तो तय है कि एटलीस्ट इसका जो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है वो सेफ है। ज्यादातर कंपनी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके की प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है उनका जो कंजम्पशन है वो काफी हाई है इंडिया में। तो इनके बिजनेस के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जब शेयर इतने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 530 रुपए के ऊपर जब शेयर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 530 रुपए के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 5.5% की गिरावट है। 560 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया, 495 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में 14% की गिरावट है। आप देखिए, पेंडेमिक से पहले ये शेयर 730 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, बाद में ऐसी गिरावट आई कि ये शेयर 450 रुपए तक टूट गया, लेकिन बाद में फिर से बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाया और वापस से शेयर 625 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने से एक बड़ी गिरावट की चपेट में ये शेयर आ चुका है और गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है, और उम्मीद करते हैं कि वापस से एक तेजी का रुख आपको देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 12% का ग्रोथ है, 790 रुपए तक का हाई है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। 3 साल का भी जो सबसे बड़ा लो है वो 450 रुपए है, और शेयर अभी उस लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो शेयर है उसमें 65% का ग्रोथ है। 98 रुपीज का लो भी देखा है, 790 रुपए का हाई भी देखा है। देखिए, बहुत बढ़िया और दमदार रैली आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। तो देखिए, जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो एक बड़ा बाउंस बैक भी इसमें देखने को मिलता है, और जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, मंदी तो नहीं आने वाली है इसमें। लार्ज कैप शेयर है ये, 38,679 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 16 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 0.82% की होल्डिंग देखने को मिली है, एफआईआई के पास 19.68% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.77% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.68% की होल्डिंग देखने को मिली है। अब देखिए, इस पेंडेमिक में इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, हालांकि एफआईआई से थोड़ी सी होल्डिंग को बेचा जरूर है, और प्रमोटर एक्चुअल में 0.82% की होल्डिंग, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा गलत है। यहाँ पर प्रमोटर की जो एक्चुअल होल्डिंग है वो 55.94% है, और रिले बीवी करके जो है सबसे बड़े प्रमोटर, और लेकिन 1% की छोटी सी होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। 147 म्यूचुअल फंड स्कीम और 532 जितने एफआईएल्स का पैसा यहां पर जरूर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 9.06% है, और देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, ₹2.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड भी पे करता है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस की। तो ये इनकी वेबसाइट है। अब लिकर का इनका जो सबसे बड़ा मेन बिजनेस है, लिकर इनका सबसे बड़ा मार्केट है। आप देखिए, मैकडोवल्स, ब्लैक लेबल, ब्लैक डॉग, वेट 69, उसके अलावा रॉयल चैलेंजर, सिग्नेचर, एंटी क्यूटी, स्मर्नोफ, व्हाइट मिस्चिफ, एक से बढ़कर एक ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बैग पाइपर से लेकर कई सारी ब्रांड आपको इनके अंडर में देखने को मिली है, और देखिए, ये सारी वो चीजें हैं वो जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम की जाती है अभी के वक्त में, और डेफिनेटली जिनको जरूरत है, जो लोग ड्रिंकर है, जो लोग दारू पीते हैं, एटलीस्ट उनको जिनको जरूरत है वो तो पियेंगे ही पियेंगे, चाहे उनको कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़े, लेकिन वो उसको भी अरेंज करके वो पियेंगे। इवन जिस स्टेट में बैन है वहां पर भी लोग किसी ना किसी तरीके से खरीद कर पीने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, एक्चुअली खुल चुका है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करने जाए तो जो पार्टीज लोग करना शुरू कर देंगे, तो याद रखिए इनका जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली जो बिजनेस है वो और हाई आपको देखने को मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक ब्रांड इनको आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल यूनाइटेड स्पिरिट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है, और आप देखिए यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी तो इनकी न्यूट्रल देखने को मिली है, और वैल्यूएशन अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन मैं अभी वेट करने की थोड़ी सलाह दूंगा, लेकिन फिर भी
शेयर एक अच्छा मूव दिखा सकता है। 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड बेचने की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ लोग यहां पर खरीदारी करने की सलाह आपको दे रहे हैं। हालांकि जून क्वार्टर में लॉकडाउन के चलते नुकसान हुआ है, 250 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, जबकि इससे पहले 50 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 232 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 160 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए लॉकडाउन में इनको नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सितंबर की अगर हम बात करें, सितंबर क्वार्टर में ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके थे, तो ऐसे में जो इनकी बिक्री हुई है वो काफी हाई बिक्रियां हुई है। तो सितंबर के जब नतीजे आएंगे वो काफी इंकरेजिंग होंगे, जो इनको ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो मेरी तरफ से एक दमदार शेयर है, और तो और प्रमोटर काफी ज्यादा विश्वास यहाँ पर रखते हैं। आज देखिए 56.76% की प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, प्रमोटर के द्वारा जो शेयर गिरवी थे उसको छुड़ाया गया है। 3.22% की जो प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी वो अब 1.19% की होल्डिंग गिरवी है। तो प्रमोटर खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रमोटर जो है वो गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा भी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड का भी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है, एफआई से भी बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अच्छा शेयर साबित हो सकता है। खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में 550 और लॉन्ग टर्म में 575 580 रुपए तक के आपको टारगेट आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।